हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड डूइंग गुड। वंस अगेन आई एम हियर विद द स्पेशल सीरीज ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई एम कॉलिंग दिस स्पेशल सीरीज बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द स्पेसिफिक सेंटेंसेस दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इफ यू डोंट नो From active to passive. So we have done tense wise. हमने tense wise कर लिया सारे tense को, present tense कर लिया, past tense कर लिया, future tense कर लिया, सबके rules, formula और examples को देख लिया. But there are some specific sentences, जैसे imperative type के जो sentences होते हैं उसका rules regulation बिल्कुल different है. और कुछ WS जिससे बनते हैं, WS type words से, जैसे who से बनता है, who teaches you English, तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए अलग तरीका है. कुछ ब्लेसिंग और विश के वर्ड्स होते हैं, उनका पैसिव वॉइस चेंज करने का तरीका डिफरेंट है. तो आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक करने जा रहे हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे. इसको देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं और इनका फॉर्मूला और रूल्स क्या है उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे. ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट waste our time. Let's start. तो imperative sentence का जो active voice का formula होगा उसके अंदर आप imperative sentence mostly उसका जो subject होता है no understood होता है उसके अंदर आपको दो ही चीज मिलेगी. क्या मिलेगा? एक तो वर्ब मिलेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा. और ये डिफरेंट टाइप के मेनी सेंटेंसेस हो सकते हैं. जैसे मैं बोलूं स्टैंड अप, अब इसमें तो केवल आपको वर्ब दिख रही है, अब क्या है? प्रीपोजिशन. स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. जैसे मैं बोलूं शट द डोर, तो इसके अंदर शट वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है. शट द डोर इज यू शट द डोर. यू जो है यहां पे अंडरस्टूड है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती. यू क्या है? अंडरस्टूड. ये जो इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेज होते हैं जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड ये सब दिए जाते हैं, ये इसके अंदर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है ऑलरेडी, वो उसके अंदर ही छुपा रहता है, तो उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं. मोस्टली आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा. तो यहां पे जैसे मैंने बताया कि शट द डोर, ठीक है, ओपन द विंडो. जैसे मैं बोलूं ओपन द विंडो, अब इन सेंटेंसेस को अगर एक्टिव से पैसिव चेंज करना होगा तो उनके लिए क्या रूल है? ठीक है, तो इनके लिए रूल होता है, लेट्स सी रूल क्या होता है. ऐसे एक एक करके हम एग्जांपल लेंगे, देखेंगे और इनको करेंगे. लेट्स स्टार्ट. जैसे मैंने पहले बताया, पहला सेंटेंस फर्स्ट देखते हैं. एक सेंटेंस देखा कि शट द डोर. अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस में. तो अब इसमें आप ढूंढोगे कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट है ही नहीं, वो अंडरस्टूड है. शट द डोर मीन्स यू शट द डोर. क्या हो गया? यू शट द डोर. इसके अंदर शट वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है. ऐसे सेंटेंसेस को करने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस नो सॉरी सबसे पहले लेट लगा दे. दो तरीके इन सेंटेंसेस को करने के लिए, दो तरीके, दोनों तरीके हम आपको बता देते हैं. सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या लगाएंगे? सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर बी थ्री का यूज करेंगे. ये तो हो गया पहला फॉर्मूला. किसके लिए? पैसिव वॉइस के लिए. पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन से सेंटेंसेस को? इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहला जो फॉर्मूला है ये है, द
दूसरा वर्ब होगा जो है वो सेंटेंस के मूड पे डिपेंड करता है। अगर वो लगता है कि आपको ऑर्डर दे रहा है, जैसे मैं बोलूं शट द डोर, तो ऑर्डर ही हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड डोर। ठीक है, ये दो तरीके हैं। इसमें यू आर लगा के जैसे हम करेंगे, आप लेट वाले से भी देख लेते हैं, ये तो हो गया इसका, मैंने बता दिया जैसे शट द डोर का है तो इसमें क्या है, ऑर्डर दे रहा है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। लेट का यूज करके करेंगे तो कैसे होगा, तो हम हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, डोर, इससे पहले लेट लगाएंगे, तो लेट द डोर, लेट द डोर बी शट, का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, ये हो जाएगा लेट द डोर बी शट, हो गया, इसका भी पैसिव वॉइस चेंज हो गया, लेट द डोर बी शट। ठीक है, दोनों तरीका है, या तो ये वाला आप अपना लो फर्स्ट वाला से लेट वाला फॉर्मूला लगा लो, लेट द डोर बी शट, या तो दूसरा यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। ओके गाइस, और एग्जाम्पल करके देखते हैं दूसरा, जैसे मैं बोलू स्टैंड अप, स्टैंड अप, ये क्या है, ये भी ऑर्डर है। अब इसमें तो अभी तक तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन हमको बनाना है, तो इसमें हम इसको पहला तरीका है बना देंगे यू और, इसको ऐसे ही बनाएंगे यू और, यू आर ऑर्डर टू, यहां पे ऑर्डर टू सट, सॉरी सर, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, स्टैंड अप, ऐसे लगेगा। ओके गाइस, अब यहां लेट से बनेंगे तो लेट से बनेगा ही, या तो ऐसे बनेगा कि लेट, इसका जो सब्जेक्ट है उसी को हम बना देंगे, लेट यू बी स्टैंड, लेट यू बी स्टैंडर्ड, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, लेट यू बी स्टूड। ओके, तो ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, यही आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। ओके गाइस, तो इसको एक बार इरेज करके और कुछ सेंटेंसेस को करते हैं। जैसे मैं लिखू प्लीज गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, तो अब इसको चेंज करने का दो तरीका मैंने बताया, पहला लेट से हो सकता है, दूसरा सेंटेंस के मूड में प्लीज लगा है तो मूड क्या है, अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पहला हम लेट से बनाते हैं, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन, लेट योर पेन बी गिवेन गिवेन टू मी, लेट योर पेन बी, लेट योर पेन, लेट योर पेन बी गिवेन टू मी। ओके गाइस, क्या लिखा, लेट योर पेन बी गिवन टू मी, और दूसरा तरीका क्या है इसका बनाने का, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू
गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ओके गाइस, तो ये इसका तरीका है, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हम लोग देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट अ नॉइस, लेट अ नॉइस, लेट अ नॉइस नॉट टू बी मेड, टू बी लेट अ नॉइस नॉट टू बी मेड। ओके, उसके बाद इसको दूसरा तरीका है, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर नॉट टू मेक अ नॉइस, अ नॉइस। ये दूसरा तरीका है। ओके गाइस, तो वी हैव सीन द इंपरेटिव सेंटेंस, हाउ वी कैन चेंज इट एंड हाउ कैन वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। वी हैव सीन द फॉर्मूला, टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला आर देयर। फर्स्ट मूड ऑफ द सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, इसका यूज करके बना सकते हो, और दूसरा लेट और बी का यूज करके बना सकते हो। ओके गाइस, नाउ वी विल सी सम ऑफ द sentences of wish or blessings, let's see. Okay guys, now we will see some of the wish or blessing types के sentences को उनको कैसे change कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक sentence लिखा हुआ है, may God bless you। अब ये blessing का sentence है, अगर आपको जैसे कोई blessing देता है, आपसे elder है, आपसे senior है, तो may God bless you। अगर इसको passive voice में change करना हो तो क्या करेंगे हम, इसके लिए है मैं अपने जगह पे ही रहेगा मैं। अब ये ऑब्जेक्ट किसका क्या है, यू, यहाँ ये यू आ जाएगा, मैं यू बी, बी का यूज करेंगे और इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे मैं यू बी ब्लेस्ड। बस बाय गॉड लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड इट, ब्लेस गॉड के ही द्वारा। जैसे एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, मैं यू इसका हो जाएगा मे यू बी फास्ट विथ गुड मार्क्स। बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं करना। ओके गाइस, गुड मार्क्स। ओके, एक तीसरा सेंटेंस देखते हैं, मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, विद द सन। तो अब इसका चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, विद अ सन। ओके गाइस, तो इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, मे यू बी ब्लेस्ड ब्लेस्ड विद अ
ओके गाइस, तो अगर बी साउट ब्लेसिंग के सेंटेंस होंगे जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो मे यू बी ब्लेस्ड, यहाँ बाई गॉड लगाने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, लगा भी दोगे तो कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। जैसे मे यू पास विद गुड मार्क्स, मे यू बी पास विद गुड मार्क्स, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, तो मे यू बी ब्लेस्ड विद द सन। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड एंजॉयड इट। नाउ वी विल सी हु टाइप्स सेंटेंसेस, डब्ल्यू एस जो से जो हु से बनता है, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, लेट्स सी। ओके गाइज, नाउ वी विल सी सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद हु, ऐसे सेंटेंसेज जो हु से स्टार्ट होते हैं उनको कैसे हम चेंज करते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो उनके टेंसेज तो अलग अलग, उनके टेंसेज के अकॉर्डिंग वो चेंज होंगे, उनकी हेल्पिंग वगैरह लगेगी। और डब्ल्यू एस टाइप में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था, लेकिन यहां भी एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हु टीचेस यू मैथ्स, हु टीचेस यू मैथ्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस टाइप का सेंटेंस लिखा होगा तो क्या आपका इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें जैसे ही आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में हु दिखे, जिस भी सेंटेंस में हु दिखे वहां पे आपको क्या करना है, बाई हुम लगा देना है सबसे पहले। क्या लगाना है, बाई हुम, यहाँ पे बाई हुम लग जाएगा। उसके बाद हम इसका वर्ब का टेंस देखेंगे किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इजयमान में चेंज करते हैं, तो बाई हुम इज, अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट में मैथ्स है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग इज लगेगा, बाई हुम इज मैथ्स टॉट, थर्ड फॉर्म इसका लगेगा टॉट टू यू, टू यू, बाई हुम इज मैथ्स टॉट टू यू। और इसका फॉर्मूला जैसे अभी लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा बाई हुम, यहां लिख देंगे बाई हुम प्लस इजयमान प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस क्या आएगा, प्लस टू यू और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहां पे आ जाएगा। ओके गाइस, तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो ये किसके लिए, जब ये मेन वर्ब आपके या मेन जो वर्ब होगी उस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होगी उसके लिए। ओके गाइस, इसका तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। जैसे हु हैज, हु हैज बीटन हिम, हु हैज बीटन हिम, अब ये है इस सेंटेंस को चेंज करना है, तो हमने बताया कि हु जैसे ही देखो वैसे आपको क्या लगा देना, बाई हु, यहां हो जाएगा बाई हु, बाई हु, अब हैज है तो हैज ही लगेगा, बाई हु हैज ही, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, हिम है यहां पे इसको सब्जेक्ट की जगह मिला ही हो जाएगा, बाई हु हैज ही, हैज ही बी बी बाई हुम हैज ही बीन बीटन, बाई हुम हैज ही बीन बीटन। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, पैसिव। ओके गाइस, लेट्स सी अनदर, थर्ड देखते हैं, हु scolded
द बेबी, हू इज कॉल्ड द बेबी, ठीक है। अब ये स्कॉल्डेंट लगा है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो किसकी हेल्पिंग वर्ब लेता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पे हू लगा है तो सबसे पहले बाई वर्ब लगाएंगे, बाई हू वाज द बेबी इज कॉल्डेड, बाई हू वाज द बेबी इज कॉल्डेड, ओके गाइस। तो दिस इज द डब्ल्यू एस टाइप के जो वर्ड्स डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं, मतलब हुम से स्टार्ट होते हैं, उनके लिए हम ऐसा चेंज करते हैं हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल एंड एंजॉयड द सेशन। वी हैव फिनिश्ड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। Okay guys, thank you very much, thanks a lot for watching more and more my videos, and I would also like to request you kindly share, like and subscribe it and motivate to the people to subscribe. Thank you.